नमस्कार, मैं अश्वानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 12 नवंबर को गया में रोजगार मेला, डिलीवरी बॉय पद के लिए भर्ती, 60 वर्ष तक आयु सीमा। बिहार में लिंगानुपात में गिरावट, बेटियों की संख्या में आई कमी, पूर्वी चंपारण में लिंगानुपात में भारी गिरावट। अमीनों के कामकाज की समीक्षा, ई मापी, रफ्तार बढ़ाने के निर्देश, विशेष आधार पर होगी काम की समीक्षा। बीपीएससी 69वीं परीक्षा रिजल्ट 22-23 नवंबर को संभावित दिव्यांग उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट दो चरणों में, 11-14 और 18-19 नवंबर को होंगे टेस्ट। बीसीसीआई ने रोहित को दिया अल्टीमेटम, रोहित के फॉर्म को लेकर हो रही आलोचना, जडेजा ने रोहित के लिए जताया दुख। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सरकार बाल श्रम को समाप्त करने के लिए मुखिया, सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों की मदद से एक विशेष अभियान चला रही है। श्रम संसाधन विभाग ने चौक चौराहों पर जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, लोकगीत और प्रभात फेरी के जरिए लोगों को बाल श्रम के खिलाफ जागरूक करने की योजना बनाई है। विभागीय अधिकारी रेस्टोरेंट, ढाबों और फैक्ट्रियों में औचक छापेमारी कर बच्चों को रिहा करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से हर बच्चे को 25,000 रुपये दिए गए हैं। पंचायत स्तर पर बाल श्रम से संबंधित रजिस्टर रखा जाएगा और सोशल मीडिया के माध्यम से नो चाइल्ड लेबर अभियान चलाया जाएगा। लोगों से सुझाव भी लिए जाएंगे और बाल श्रम के खिलाफ लोगों को शपथ भी लिया जाएगा ताकि लोग अपने संस्थानों या घरों में बच्चों से मजदूरी ना कराएं। 12 नवंबर को बिहार के गया जिले में दिल्ली की डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला अवर प्रादेशिक नियोजनालय के परिसर में होगा, जहां 18 से 60 वर्ष की आयु के बेरोजगार अभ्यर्थी डिलीवरी बॉय के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 10वीं और 12वीं पास होना आवश्यक है। इच्छुक उम्मीदवारों को 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही बाइक ड्राइविंग लाइसेंस और मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता होगी। चयनित उम्मीदवारों को 10,000 से 16,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा और PF ESIC भी प्रदान किया जाएगा। रोजगार मेला में भाग लेने के लिए NCS पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों का NCS पोर्टल पर निबंधन नहीं है, वे नियोजनालय पहुँच कर निबंधन कर सकते हैं। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड द्वारा फौकानिया यानी मैट्रिक और मौलवी यानी इंटर परीक्षा 22 जनवरी से शुरू होगी। फौकानिया और मौलवी आर्ट्स की परीक्षा 28 जनवरी तक, जबकि मौलवी साइंस, कॉमर्स और इस्लामियात की परीक्षा 27 जनवरी तक चलेगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 8:45 से 12 तक और दूसरी पाली 1:45 से 5 तक होगी। फौकानिया की प्रैक्टिकल परीक्षा 2 फरवरी और मौलवी की भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान तथा होम साइंस की प्रैक्टिकल परीक्षा 4 फरवरी को होगी। इन दोनों परीक्षाओं के लिए 72,264 फौकानिया और 32,283 मौलवी छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है। दोनों परीक्षाओं के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। इन दोनों परीक्षाओं के कार्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट www.bsmeb.org पर उपलब्ध है। पटना के कंकड़बाग स्थित तनिष्क शोरूम में रविवार शाम लूट की घटना हुई, जिसमें 4 अपराधियों ने हथियार के बल पर हीरे के जेवरात और नकदी लूटी। शोरूम के मैनेजर ने विरोध किया तो बदमाशों ने फायरिंग की, जिससे वह घायल हो गया। अपराधी 1:40 तक शोरूम में रहे और चेहरा ढककर फरार हो गए। पुलिस ने CCTV फुटेज से अपराधियों की पहचान की और नालंदा सहित अन्य स्थानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। लूट में शामिल अपराधियों की उम्र 16-19 वर्ष के बीच है। तनिष्क शोरूम में हुई लूट के मामले में स्थानीय अपराधियों की संलिप्तता सामने आ रही है। घटना से जुड़े 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने लूट कांड में लाइनर की पहचान कर ली है। बिहार में महिलाओं का लिंगानुपात घटने की चिंता बढ़ गई है। हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम HMIS के अनुसार 2022-23 में राज्य में प्रति 1,000 लड़कियों का अनुपात घटकर 882 हो गया है, जो 2021-22 में 914 था। कई जिलों में स्थिति और ख़राब हुई है, जैसे मुजफ्फरपुर में 880, पटना में 862 और गया में 870। सबसे बड़ी गिरावट पूर्वी चंपारण में देखी गई है, जहाँ लिंगानुपात 908 से घटकर 870 हो गया है। हालांकि कि कुछ जिलों में सुधार भी हुआ है, जैसे भागलपुर में 917 से बढ़कर 925, किशनगंज में 926 से बढ़कर 929 और सिवान में 857 से बढ़कर 881 हुआ है। समाज कल्याण विभाग ने इस गिरावट पर चिंता जताई और सुधार के प्रयासों पर चर्चा की है।
बिहार में अब अमीनों के कामकाज की जिला स्तर पर समीक्षा की जाएगी। विभाग ने मापी के काम को निर्धारित मापदंडों के अनुसार जांचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। किस अमीन ने कितनी जमीन की मापी की तथा कितनी जमीनों की मापी का टास्क मिला, इसके आधार पर इन्होंने कितने दिनों में जमीन की मापी के कार्य का निपटारा किया, इनके स्तर से संपन्न जमीन मापी के बाद किसी तरह की शिकायत आई या विवाद हुआ, इससे पता चलेगा कि एक अमीन माह में औसतन कितनी जमीन की मापी का काम करते हैं। राजस्व विभाग ने ई मापी की रफ्तार बढ़ाने और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आवेदक के आवेदनों में संबंधित व्यक्ति के स्थान पर साइबर कैफे या वसुधा केंद्र के संचालकों का मोबाइल नंबर भरा रहता है। विभाग ने इसे सुधारने के लिए जानकारी प्रचारित करने की योजना बनाई है। बीपीएससी द्वारा आयोजित 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम 20 नवंबर के बाद घोषित होने की संभावना है। दिव्यांग अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट 11 से 14 नवंबर और 18 से 19 नवंबर को पटना एम्स में होगा, जिसके बाद रिजल्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजल्ट 22 या 23 नवंबर को जारी किया जा सकता है। परिणाम बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध होगा। चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहने की सलाह दी गई है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने 6 पैक्सों का निर्वाचन स्थगित कर दिया है, जिसमें औरंगाबाद के 3, अरवल, पूर्वी चंपारण और कैमूर के 1-1 पैक्स शामिल हैं। इनमें औरंगाबाद के बारून नगर पंचायत पैक्स, कोटवारा और पोईवा पैक्स, अरवल के इस्माइलपुर, कोयल, पूर्वी चंपारण के बरमदिया और कैमूर के अकोढ़ी पैक्स का चुनाव स्थगित किया गया है। ये चुनाव अपरिहार्य कारणों से स्थगित किए गए हैं। निर्वाचन की नामांकन प्रक्रिया 11 नवंबर से शुरू होगी, यानी कि आज से ही शुरू है, और मतदान 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक 5 चरणों में होगा। प्राधिकार ने कुल 6,422 पैक्सों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। बिहार में 13 नवंबर को 4 सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी मैदान में है। एनडीए, इंडिया गठबंधन और जनसुराज ने सभी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। सबसे अधिक 14 प्रत्याशी बेलागंज सीट पर हैं, जबकि तरारी में 10 और इमामगंज में 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कुल 38 उम्मीदवार मैदान है, जिनमें 5 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। बिहार में करीब 26 लाख स्कूली बच्चे छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल जैसी योजनाओं से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि उनका आधार कार्ड ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज नहीं है। राज्य के 1,76,00,000 सरकारी स्कूलों के बच्चों में से 22 लाख का आधार नंबर नहीं है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि इन बच्चों का आधार जल्द बनवाया जाए, ताकि वे योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। योजनाओं की राशि बच्चों के आधार लिंक बैंक खातों में ही भेजी जाएगी। इसके लिए अगले 2 महीनों में विशेष अभियान चलाकर बच्चों के आधार कार्ड बनाए जाएंगे, ताकि कोई बच्चा योजना से वंचित न रहे। पटना में ऑटो और ई रिक्शा के लिए मार्ग और रंग कोड निर्धारित किए गए हैं। पटना जिला परिवहन कार्यालय ने शहर को 3 जोन में विभाजित किया है। पूर्वी और उत्तरी इलाकों में हरे रंग के ऑटो चलेंगे, पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में नीले रंग के और पश्चिमी उत्तरी इलाकों में पीले रंग के ऑटो चलेंगे। इसके तहत 13 इलाकों के लिए रूट तय किए गए हैं, जिससे यातायात में सुधार और जाम की समस्या कम होगी। ऑटो और ई रिक्शा पर रंग कोड का स्टिकर रहेगा, जिससे आम लोगों को सही मार्ग पहचानने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ऑटो और ई रिक्शा को उनके मार्ग और क्षमता के अनुसार परमिट भी दिया जाएगा। पटना जंक्शन से पश्चिम के इलाके जैसे बोरिंग रोड, अटल पथ, दीघा, रूपसपुर, सगना मोड़, दानापुर का इलाका में पीले रंग की ऑटो चलेगी। कदम ऑटो और ई रिक्शा चालक संघ के लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बाद उठाया गया है। बिहार में 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं, और इसके प्रचार प्रसार का आखिरी दिन 11 नवंबर यानी आज है। इससे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI को शेखपुरा से करारा झटका लगा है, जहां पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया है। इनमें जिला सहायक मंत्री धर्मराज कुमार, गणेश रविदास, अजय चौधरी और अन्य नेता शामिल हैं। धर्मराज कुमार ने पार्टी के जिला सचिव प्रभात पांडे पर गंभीर आरोप लगाए और राज्य स्तरीय नेताओं पर लापरवाही और पक्षपात का आरोप भी लगाया। इस्तीफों के बीच CPI की बैठक और CPIM का सम्मेलन 17 नवंबर को नगर नौसा में होगा।
बिहार के तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र में 5 दिसंबर को MLC उपचुनाव होने हैं। नामांकन प्रक्रिया 13 नवंबर यानी आज से शुरू है और 18 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 21 नवंबर निर्धारित है। अब तक 4 उम्मीदवारों ने नामांकन के लिए रसीद कटवाई है, जिनमें राजद, जदयू और अन्य उम्मीदवार शामिल हैं। तिरहुत क्षेत्र में कुल 1,54,828 वोटर हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक मतदाता हैं। 5 दिसंबर को मतदान होगा और परिणाम 9 दिसंबर को घोषित होंगे। बीजेपी बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन महापर्व मनाने की तैयारी कर रही है। पार्टी के 1100 मंडल और 45 जिलाध्यक्षों का चुनाव होना है। चुनाव की प्रक्रिया 15 नवंबर तक सक्रिय कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग के बाद शुरू होगी। विवादों को टालने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह करेंगे। यह कमेटी मंडल और जिलाध्यक्ष के चुनाव पर अंतिम निर्णय लेगी। पार्टी ने चुनावों में गुटबाजी से निपटने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 से टेस्ट सीरीज में हार के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं। अजय जडेजा ने खुलासा किया कि BCCI ने रोहित को अल्टीमेटम दिया है। जडेजा ने कहा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत के लिए 2 बड़ी चुनौतियां हैं, सीरीज जीतना और WTC फाइनल में जगह बनाना। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत सीरीज जीत सकता है, भले ही WTC फाइनल में पहुंचने का रास्ता मुश्किल हो। जडेजा ने कहा कि टीम में अनुभव है, क्योंकि इस टीम ने इसी साल T20 वर्ल्ड कप जीता है और अब भारत एक खतरनाक टीम बन सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रोहित के फॉर्म को लेकर जो आलोचनाएं हो रही हैं, उसका मुझे दुख है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है विनोद झा, प्रमिला कुमारी, नौशाद रजा, कुश कुमार यादव, जितेंद्र ठाकुर, उमेश ऋषिदेव, राजकिशोर महतो, रंजित मिश्रा, छोटू राजा और रवि मोहन वर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपने कभी किसी दुकान, फैक्ट्री या अपने आसपास किसी छोटे बच्चे को काम करते देखा है? अगर हाँ, तो आपने उस बच्चे के अधिकारों के लिए क्या कदम उठाए हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।